नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस के जो नए डील है सिल्वर लेक के साथ, जो एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है उसके साथ जो डील हुआ है, जिसके कारण भी रिलायंस न्यूज़ में रहा है, जिसके कारण आपको बहुत ही कम गिरावट रिलायंस के शेयर में देखने मिला होगा। तो चलिए हम चार्ट पर लेकर चलते हैं, देखते हैं रिलायंस में आज कितना गिरावट रहा वो आपको दिखाते हैं। आज रिलायंस में जो है, रिलायंस शेयर में बहुत ही कम मामूली गिरावट देखने के लिए मिला। तो देख सकते हैं 2.10% का गिरावट मात्र देखने के लिए रिलायंस में मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं रिलायंस जो आज बहुत ही कम गिरावट देखने में, जहाँ मार्केट में निफ्टी में जो है 5.74% का गिरावट, निफ्टी में 5.74% का गिरावट, वहीं रिलायंस में बहुत ही कम गिरावट देखने मिला। मात्र रिलायंस में जो है 2.10% का गिरावट देखने मिला, जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि आज जो हमारा है वो निफ्टी बहुत ही कम गिरा। नहीं तो रिलायंस में भी अगर गिरावट होता तो और ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिल सकता था हमें। रिलायंस आज का लो बनाया 1421 रुपये का और ओपन हुआ था 1440 रुपये पर, और जो क्लोज हुआ 1440 रुपये पर ओपन हुआ था, हाई बनाया 1465 रुपये और क्लोज हुआ हमारा आज 1435 रुपये। समझ सकते हैं 1435 रुपये पर क्लोज हुआ, ओपन हुआ था 1440 पे, हाई बनाया 1465 पे, लो बनाया 1421 पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिलायंस का ये ग्राफ है, ये हमारा नीचे वाला ब्लू लाइन जो है ये 20 डे का मूविंग एवरेज है, और ये ऊपर वाला जो ब्लू लाइन है देखते हैं 200 डे का मूविंग एवरेज है, और ये जो लाइन है आप देखते हैं 100 डे का मूविंग एवरेज है, और ये येल्लो लाइन हमारा 50 डे का मूविंग एवरेज है। और ये सारे मूविंग एवरेज यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही पास पास है, और रिलायंस सारे मूविंग एवरेज से ऊपर है, मतलब 200 डे, 50 डे, 100 डे, सारे मूविंग एवरेज से ऊपर है रिलायंस का प्राइस। देख सकते हैं ये कब से हुआ, जब से फेसबुक का रिलायंस जियो के साथ डील आया है, जिसके कारण फेसबुक ने 9.9% का स्टेक लिया, उस दिन से इसमें तेज मोमेंटम देखने मिला। और रिलायंस जो कि 1200 रुपये का स्टॉक था वो डायरेक्ट कहाँ चला गया, 1500 रुपये के आसपास। तो फिर से हम लौटेंगे इस मतलब यहाँ पर, और रिलायंस के चार्ट को डिस्कस करेंगे कि रिलायंस पर किस तरह का चार्ट बन रहा है और आगे आपको क्या करना चाहिए इस पे। तो सबसे पहले हम आज के डील को देख लेते हैं जो कि सिल्वर लेक के साथ था। देख सकते हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक इन्वेस्ट RS 5655 करोड़ इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में सिल्वर लेक ने इतना का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, ये आज अनाउंसमेंट हुआ। तो देखते हैं अप्रैल 22 को जो US का IT कंपनी है फेसबुक 9.9 स्टेक लिया था जियो प्लेटफॉर्म में, जिसका इन्वेस्टमेंट था 43,574 करोड़, इतना का इन्वेस्टमेंट था और 9.9 का स्टेक लिया था जो फेसबुक है। उसके बाद रिलायंस में एक तेज मोमेंटम देखने मिला, और जैसे आज जो गिरावट आई मार्केट में तो रिलायंस में बहुत ही कम गिरावट देखने मिला, क्योंकि यही न्यूज जो था वो रिलायंस को स्टेबल रखा, मतलब पहले का फेसबुक के साथ जो डील और सिल्वर लेक के साथ जो आज का न्यूज था, उसके कारण रिलायंस में बहुत ही कम गिरावट देखने मिला। और इसके तहत देखते हैं US प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक इन्वेस्ट इतना करोड़ 5655 करोड़ इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर 1.15% स्टेक, मात्र 1.15% का स्टेक लेगा, क्योंकि अब जो वैल्यूएशन हो चुका है रिलायंस जियो का वो इतना क्या वैल्यूएशन पर ले रहा है, क्योंकि जियो फेसबुक का जो हमारा डील हुआ उसके कारण इसका जो प्रीमियम है वो बढ़ चुका है। आप यहां पर देखते हैं नीचे कि इतना लाख करोड़ जियो प्लेटफॉर्म एंड इंटरप्राइज वैल्यू ऑफ 5.15 लाख। फेसबुक से डील से पहले जो जियो का वैल्यूएशन था वो 4.4 लाख करोड़ के आसपास था, और आप देख सकते हैं इसका वैल्यूएशन कहाँ पहुँच चुका, 5.15 लाख करोड़ के पास। तो जैसे फेसबुक के साथ वैल्यूएशन हुआ तो इतना परसेंट लाख करोड़ हो गया जियो प्लेटफॉर्म के साथ, और विथ प्रीमियम ऑफ 12.5 के साथ जो डील हुआ वो 5.1 लाख करोड़ के वैल्यूएशन के साथ। तो देख सकते हैं इतना इंटरप्राइज वैल्यू के साथ, मतलब 12.5 प्रीमियम के साथ आज जो है डील हुआ, किसके साथ, सिल्वर लेक के साथ आज हमारा जो डील हुआ इसके साथ। तो फेसबुक के डील के कारण इसका इन्वेस्ट जो
वैल्यूएशन था जियो का बढ़ चुका था, उसके बाद आज सिल्वर लेक का इसमें जो वैल्यूएशन आका गया वो 12.5% प्रीमियम के साथ 5.15 लाख करोड़ का, तो इतना का जियो का वैल्यूएशन हो चुका है। अभी जियो कोई अलग से सब्सिडरी नहीं है, उसका जो पेरेंट कंपनी है रिलायंस उसी के साथ है। तो देखते हैं रिलायंस में इसी कारण आपको बहुत ही कम गिरावट देखने मिला। आगे है हमारा रिलायंस प्लान टू अचीव जीरो डेप्ट पोजिशन बाय 31 मार्च 2021, मतलब 2021 तक रिलायंस का जीरो डेप्ट पहुंचने का प्लान है। और जो रिलायंस पर टोटल डेप्ट है वो 22 बिलियन का है, देखते हैं डॉलर 22 बिलियन डॉलर का रिलायंस के ऊपर कर्ज है, ऐसा मुकेश अंबानी के अनुसार है। लेकिन जो कई सारी फॉरेन इक्विटी फर्म है वो 65 बिलियन तक बताया है कि रिलायंस के पास डेप्ट हो सकता है। देखते हैं मुकेश अंबानी के अनुसार इतना का डेप्ट है $21.4 बिलियन, इतना बिलियन डॉलर का कर्ज है रिलायंस के ऊपर, जिसमें से इतना डेप्ट कम करने का प्लान है। अभी फिलहाल जो आप देख सकते हैं रिलायंस का फेसबुक के साथ डील हुआ है जो अब राइट इश्यू लाएगा, जो कि हमारे पूरे स्टॉक मार्केट का अभी तक का सबसे बड़ा राइट इश्यू है। फिर देखते हैं सिल्वर लेक के साथ इसका जो डील है, और फिर सऊदी अरब के साथ जो डील है, इन सारे डील के साथ रिलायंस जीरो डेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, लगातार इस प्रयास में है कि जीरो डेप्ट हो जाए कंपनी। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि पहले बहुत ही टॉप पोजीशन पे थे, रिलायंस का जो पहले भी था जो अनिल अंबानी की कंपनी थी वो भी पहले टॉप कंपनियां थी, लेकिन डेप्ट के कारण वो भी कंपनियां बर्बाद हो चुकी है। इसलिए मुकेश अंबानी का जो लगातार प्लान है कि रिलायंस को जीरो डेप्ट कंपनी बनाया जाए। रिलायंस जियो में देखते हैं बहुत सारे जो अमेरिकन फॉरेन कंट्री के कंपनी हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जो सिल्वर लेक है ये पहले भी ट्विटर जैसी कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना इन्वेस्ट कर चुकी है। जो आईटी कंपनी है उन बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट अपना कर चुकी है। आईटी कंपनियों में जो कि आगे जा करके बहुत ही अच्छा करने वाली है वैसे में ये इन्वेस्ट करती है हमारा जो सिल्वर लेक है। तो वही आप देख सकते हैं जियो भी आगे चल कर बहुत बड़ी एक आईटी कंपनी बनने जा रही है। तो देख सकते हैं जियो जो है इतना मिलियन सब्सक्राइबर बेस है का, आप जो जियो सिम यूज करते हो उसका इतना मिलियन सब्सक्राइबर बेस है जियो का। और साथ ही साथ जियो बहुत सारी और फैसिलिटी भी देते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देखते हैं, स्मार्ट डिवाइस, क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखते हैं, और सारी बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो जियो प्रोवाइड करती है। इसी कारण बहुत सारी कंपनियां इसमें इंटरेस्टेड है और इन्वेस्ट कर रही है। और रिलायंस जियो का जो बेनिफिट्स है, जो प्रॉफिट है, वही इस बार रिलायंस के क्वार्टर फोर के रिजल्ट को भी बेहतर बनाया है। तो ये अब आप देख सकते हैं सिल्वर लेक जो एक टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर है, मतलब टेक्नोलॉजी कंपनियों में ये ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली जो है 40 बिलियन डॉलर ये इन्वेस्ट कर चुका है। किस में देख सकते हैं यहाँ पर एयरबीएनबी, अलीबाबा ग्रुप देखते हैं, एंट फाइनेंशियल देख सकते हैं, अल्फाबेट्स, और यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे हैं, डेल टेक्नोलॉजी, उसके बाद यहाँ देखते हैं ट्विटर देख सकते हैं, ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स, बहुत सारे जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट है सिल्वर लेक का। बहुत सारे जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स कंपनियाँ उसमें इन्वेस्टमेंट है सिल्वर लेक का। तो बहुत ही ये गजब का इन्वेस्टर कंपनी है जो कि बहुत सारे ग्लोबल लीडर टेक्नोलॉजी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। तो इतनी बड़ी कंपनियाँ जियो में क्यों इंटरेस्टेड है आप समझ सकते हैं कि क्योंकि जियो का वैल्यूएशन जो लगातार बढ़ रहा है, और जो जियो है हमारा एक बहुत बड़ी। तो देख सकते हैं फिर से हम आ चुके हैं यहाँ पर, देख सकते हैं चार्ट पे आप, यहाँ पर हम बात करते हैं, देखते हैं जो गिरावट आया था रिलायंस में तो ये 900 से भी नीचे चला गया था, देख सकते हैं 900 से भी नीचे, और जैसे यहाँ से इसमें थोड़ा सा मतलब मूवमेंट आया और यहाँ पर फेसबुक के साथ डील हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो है लगभग 1 वीक तक जो है कांस्टेंट रहा था प्राइस, उसके बाद जब यहाँ पर डील हुआ फेसबुक के साथ यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही तेज़ी से जंप किया प्राइस, और वहाँ से जंप किया था, फिर रिलायंस रुकने का नाम ले लिया और 1500 को टच कर लिया। 1500 टच करने के बाद अब मार्केट में फिर से करेक्शन आया है, तो फिर भी रिलायंस में ज़्यादा करेक्शन देखने नहीं मिल रहा है। और जो राइट इश्यू आया है वो भी 210 रुपीज़ से लेस प्राइस पर, जिस दिन इश्यू अनाउंस किया गया उस दिन जो डिस्काउंट दिया गया 14% के आसपास, और 1275 रुपीज़ के आसपास राइट इश्यू का प्राइस रखा गया है, जिस पे आप राइट इश्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 शेयर है आपके पास एक, और उसी तरह से अगर आपके पास 90 शेयर है तो 6 शेयर के लिए अप्लाई करेंगे,
तो उसी रेशियो में आपको अप्लाई करना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और रिलायंस में आपको क्या करना है ये आप समझ गए होंगे। जैसे इसमें करेक्शन आता है तब इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये अपने डेप्ट को कम करने जा रही है। जैसे डेप्ट कम हो जाता है फिर रिलायंस का वैल्यूएशन मतलब रिलायंस के शेयर का प्राइस यहाँ से निश्चित है कि डबल प्राइस पे होगा। मतलब रिलायंस का जो एग्जैक्ट वैल्यूएशन होगा जब डेप्ट जीरो हो जाएगा निश्चित है कि इस पर डबल प्राइस पे होगा। तो रिलायंस में अगर आपको नीचे करेक्शन में मिलता है तो ज़रूर इन्वेस्ट करें। और RSI देख सकते हैं इसका, जैसे डील हुआ था फेसबुक के साथ बहुत ही ऊपर चला गया था RSI, और यहाँ से आप देख सकते हैं RSI 70 से फिर आज नीचे आया है और अभी ये 65 के आसपास है। तो धीरे धीरे RSI भी नीचे आ रहा है, जैसे जैसे मार्केट में करेक्शन आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और रिलायंस में इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा आप इसमें वेट एंड वॉच करें, करेक्शन आने दें। और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।